आजकल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ, आप अपने परिचय के साथ बताएं कि ये क्या मामला है जो लोग आक्रोशित हैं। अखिल भारतीय पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नथनी चौधरी मूर्तिकार जी हुए, आज हम यहाँ पर जो जुटे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी का वादा का ही वादा का मैं याद दिलाने आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बोले थे कि तारी बंद, तारी व्यवसाय ने तारी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने बोले कि एक टैपर का लाइसेंस लो, टैपर का लाइसेंस ले लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तारी के खरदाब निराश के नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि तमाम उनके पुलिस प्रशासन द्वारा जेल प्रत्येक जिला में भेजा जा रहा है। यही नहीं, एक जाति के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, कोई अगर पुरुष घर में नहीं है महिलाओं को भी जेल भेजकर मतलब करने के प्रशासन काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने बोले थे कि हम नीरा खरीदारी करेंगे, तारी व्यवसाय पासी समाज नीरा देने के लिए तैयार है, आप नीरा ले जाइए, हम आप ही को बात को मान रहे। जब तक आप नीरा को नहीं खरीदते हैं तब तक हमको ये कानून से मुक्ति दिलाने का प्रयास करिए। बस आगे क्या है फिर आप लोगों का? आगे यही है कि अगर हम एक मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि आपने वादा किए थे नीरा खरीदारी का, तमाम समुदाय आपको नीरा देने के लिए तैयार है। अगर आपने पुलिस द्वारा अत्याचार नहीं रोके तो हमने 29 तारीख को बिहार पटना में राजभवन मार्च करेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे तो बिहार के जितने हाईवे है सब हम लोग हाईवे जाम करने का काम करेंगे, जिसका सारा जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री के होगा। और कुछ नहीं, नहीं यही इतनी बात। हमारा एक ही मांग है कि हमारे से नीरा खरीदारी करे, हम नीरा देने के लिए तैयार है। जब तक वो नीरा नहीं ले जाते हैं तब तक हमको कानून से वंचित रखे, हमारी ये हमें मुख्यमंत्री जी का ही मांग है। ऐसा नहीं कि तारी बचने के लिए कह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, हम उन्हीं को याद दिलाने के लिए याद आए हैं। कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।